समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार को उनका निधन हो गया था। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। मुलायम सिंह का जाना उनके परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। घर के सभी सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ डिम्पल यादव फूट फूट कर रोती नजर आई तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव भी बिलखते नजर आए। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को देखकर उनकी बहू डिम्पल यादव के सब्र का बांध टूट गया। नेताजी के पार्थिव शरीर को देखकर डिम्पल यादव फूट फूट कर रोने लगी। वहीं अखिलेश यादव भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। सभी एक दूसरे को किसी तरह सांत्वना देते रहे और ढांढस बंधाते रहे। चाचा शिवपाल यादव ने जैसे ही अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखा वो भी फफक फफक कर रो पड़े। इसके बाद परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। रात भर सभी नेताजी के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे। देर रात धर्मेंद्र यादव भी बिलखते हुए दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव की बहू और पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बिष्ट ने ट्वीट कर कहा, मेरे गुरु धरती पुत्र नेताजी मेरे लिए पिताजी आज गोलोकवासी हो गए। सत्य है कि धरती पर शरीर रूपी जीव नश्वर है। उन्होंने आगे लिखा कि सत्य की वेदना सहन करने की मुझे और नेताजी से प्रेम करने वालों को ईश्वर शक्ति दे। आपको बता दें मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले दिनों गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे। उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी। वो कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दिग्गज नेताओं ने शोक जताया था। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सिफई गांव में हुआ था। उनके पिता सुघर सिंह यादव एक किसान थे। मुलायम सिंह यादव मौजूदा वक्त में मैनपुरी सीट से लोकसभा सांसद थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, मुलायम सिंह यादव को प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वो 3 बार यूपी के सीएम रहे और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी की मृत्यु मई 2003 में हुई थी। वो अखिलेश यादव की मां थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की। मुलायम सिंह और साधना के बेटे का नाम प्रतीक यादव है। हाल ही में साधना का भी निधन हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।